आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए अनेकों योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। आजादी के महोत्सव की इसी कड़ी में सरकार सूक्ष्म सिंचाई विधि के लिए किसानों को अग्रसर करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वयं पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में किया था, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक सभागार में उपायुक्त अजय सिंह तोमर व संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस उपरांत उपायुक्त ने सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उपायुक्त ने यह भी कहा कि पानी का उचित प्रबंध समय की जरूरत है और यदि आज इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सब मिलकर पानी की बचत के लिए जागरूक हों और आवश्यकता अनुसार पानी का इस्तेमाल करें। पानी बचाओ की इस मुहिम में किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर अहम भूमिका अदा कर सकता है और किसान सिंचाई की परंपरागत विधि को छोड़कर सूक्ष्म सिंचाई को अपनाए। सूक्ष्म सिंचाई से कम पानी में अधिक पैदावार ली जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सूक्ष्म सिंचाई विधि के लिए सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जा रही है। इसके अंतर्गत जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो स्कीम है उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी मात्रा में अनुदान भी दिया जा रहा है उन किसानों को जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन उसको छोड़ के ये माइक्रो इरिगेशन को अडोप्ट कर रहे हैं, तो अनुदान भी दिया जा रहा है। इसी में ये पब्लिसिटी है जो कि करीब हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वाटर टेबल नीचे है और करीब 106 गाँव ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर योजना में हमने लिए है जहाँ पर वाटर टेबल 100 फीट से ज़्यादा नीचे जा चुके हैं, तो उन गाँव में ये पब्लिसिटी व्हीकल जाएगी और पर्टिकुलर स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे, उनको बताएगी। उसके अलावा जो काड़ा डिपार्टमेंट है वो करीब 546 कैंप्स आयोजित करेगा डिफरेंट गाँव में, वहाँ पे लोगों को इस पर्टिकुलर स्कीम्स के बारे में जागरूक करेगा। एक बार है जो समय समय पे हिस्टोरिकल हमारे पास में है इंसिडेंस की कई बार टूट जाती है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एरिया जो है फ्लडेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक नहरें है या फ्लडी चैनल है जो कि टूटने से हो जाते हैं। उन्हीं सब प्रबंधन को देखते हुए इरिगेशन डिपार्टमेंट और दूसरे ऑफिशियल्स के साथ में मैंने पूरे घर घर के टक्कर भी दिए हैं, जिसमें हमने देखा है काफ़ी हद तक व्यवस्था ठीक है, जो सफाई है हर जगह पर वो भी हो गई है। उसके अलावा हमने जस्ट इन केस अगर कोई आ ही जाता है, अगर फ्लड आ ही जाता है तो उसके भी अरेंजमेंट्स हमने कर लिए है। हमारे यहाँ पे 5 नावें 11 नावें हैं 5 मोटर्स है। उसके अलावा आर्मी की हिसार की भी एक प्लाटून है जो उस दिन इंस्पेक्शन के टाइम पे भी आई थी, उनसे भी हमारा टाई अप हो गया। तो जहाँ तक इसे हमें विश्वास है कि अब की बार कोई इस टाइप का इंसिडेंस नहीं होगा कि फ्लड का सिचुएशन आए, बट अगर आप भी जाते हैं तो भी हम रेडी है और हमारे पास सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा